हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वार्म वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के 7:30 बज चुके हैं और अभी तक कोई भी नालों के रेडी नहीं हुआ है, बिकॉज आज संडे भी है और आज ही सबकी कटिंग कटने वाली थी, तो बार्बर तो आया नहीं है। तो वेट करते हैं, देखते हैं, उसके बाद सफाई वगैरह होगी, सभी रेडी वगैरह होंगे, कपड़े वगैरह धुलेंगे, तो यही होगा। देखो, सबसे बोल दो कि जो भी ये कचरा पड़ा है ना, पन्नी वन्नी पड़ी है, वो उठा लो फील्ड से। चलो बोल दो सबसे। ईंटें उधर रख दो, उधर साइड, ऐसे ले जाओगे, चोट तो नहीं लगेगी। नो सर। सही है, इधर ही रख दो, इधर ही साइड में। तुम तो अकेले हो, किसी के साथ ले लो। पौधे में पानी देने के लिए गड्ढा कर रहे हो, पानी भी दे देना, ठीक। हाँ, वो ही निकाल दो, इसमें भी पानी दे देना, ठीक। सूखा है बिल्कुल पेड़। क्या हुआ? वाह, बिल्कुल क्लीन कर दिया, सही है। ये भर लो, कूड़ा भर लो एकदम से, आराम से हाथ धुल लो, ठीक। तुम जल्दी पेस्ट करो और चलो ब्रेकफास्ट के लिए। ए शांति, बैठ जा। क्या बना ब्रेकफास्ट में? मैक्रोनी और चाय। गुड मॉर्निंग। तो फाइनली गर्ल्स भी आ चुकी है उस हॉस्टल से। अब ऐसा करो, अपने बॉक्स सेट कर लो, बेंचेस की सफाई कर लो, पूरी सफाई कर लो रूम की, ठीक। अरे अब रूम की सफाई कर लो, ठीक। मतलब अपने बॉक्स सेट कर लो और बेंचेस सफाई वगैरह कर लो। कपड़े डाल दिए क्या? सही है, ऐसे सूखने डाल दो। पहले रूम्स की सफाई कर लो, फिर कपड़े धुल लेना, फिर नहा लेना, ठीक। तुम नहा रहे, पुशअप लगा रहे क्या भाई? चलो जल्दी, कितने कपड़े रह गए? जल्दी धुल लो, नहा लो, खाने का टाइम हो रहा है, लंच का, ठीक। पानी आ नहीं रहा, ये आ रहा है, देखो सिलो सिलो आ रहा है। अरे तो अभी स्टोर नहीं हो पाया होगा टंकी में, हो जाएगा। अरे फट जाएंगे, फट जाएंगे भाई। ए अभी भी पानी नहीं आ रहा है, जल्दी धुल लो कपड़े, जल्दी फटाफट। तो फिलहाल कुछ बच्चे कपड़े धुल के और नहा धो के रेडी हो चुके हैं, हम भी हो चुके हैं, अभी कुछ बच्चे बचे हैं तो वो भी कपड़े धुल लें। फिलहाल 12 बज चुके हैं दोपहर के, तो बस 15-20 मिनट बाद खाना भी होने वाला होगा, फिर उसका देखते हैं। अगर टाइम बचेगा तो पढ़ाई होगी, नहीं तो सीधा रेस्ट होगा, उसके बाद फिर कोचिंग होगी शाम वाली। वैसे हॉस्टल का भी टोटल टाइम चेंज हो चुका है, तो आज देखते हैं, रेस्ट गायब होता है, कोचिंग गायब होती है, कोचिंग गायब होगी तो कहीं ना कहीं शिफ्ट करी जाएगी, अगर रेस्ट गायब होगा तो वो भी कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि हॉस्टल का रूल होता है। तो जितने टाइम, जितनी चीज़ें होनी चाहिए वो उतने ही टाइम होगी। ऊपर टांगों के कपड़े, नीचे जगह खत्म हो गई, खत्म किया होगी, उधर टांग दिए। तुम्हारे क्या होता है? आपके सर जी, सर जी आपके, हाँ सर जी, रस्सी आई नहीं, रस्सी है नहीं है, बोल दो सबसे, नीचे बोलाओ, पहले पढ़ाई कर रही हो, कपड़े धुलाई भाई, तो फिर क्या, खाना के लिए चलो। ए देखो भाई, हो बातें मत करो, शांति से बैठ जाओ। है कहाँ जा रहे हो? उठवा लेंगे, बैठो बैठो, आगे बैठो बैठो बैठो, जिसका टर्न हो वो ले आए। खाना फिनिश हो चुका है और देखो कंबल, देखो चारों तरफ रंग बिरंगे गद्दे, भी धीरे धीरे पहुंचा दो अब, और कंबल भी डाल लो, है ना, अब रेस्ट करोगे। देखो चारों तरफ पड़े हैं, इधर उधर, उस छत पे भी पड़े हैं, वो सामने दिख रहे हैं, ये देखो, ये देखो लाइट चल रही है इधर, देखो सामने लाइट, देखो लाइट वाला बल्ब चल रहा है, रेस्ट करो, चल गए रेस्ट। सब लोग खाना खा चुके हो? मुँह छुपा के जा रहा था, चलो करो चल के रेस्ट। चलो वो चोट जाओ, रेस्ट हो गया हो तो चलो, 2:30 बज गए, कोचिंग हो गया टाइम, चलो उठो 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 उठो, चलो पहुंचो नीचे। ये क्या हालत बनाए, हैं? चलो जल्दी नीचे, चलो हो गया टाइम, चलो टाइम हो चुका है, जल्दी पहुंचो जल्दी।
तो फाइनली क्लास सेकंड थर्ड के बच्चे आ चुके हैं। और कोई बच्चा आने को? बच्चों पांच बच चुके हैं, चलो इकट्ठे हो चल गए असेंबली के लिए हैं। चलो कोई बात नहीं। तो फाइनली असेंबली का टाइम हो चुका है, क्लासेस थोड़ी लेट छूटी थी इसलिए गेम टाइम मात्र आधा ही घंटे का हुआ था। तो कोई बात नहीं, अब पेपर वगैरह सभी टीचर्स ने बना लिए हैं तो मैं बनाऊंगा नहीं, मैं सीधा टाइप कर लूँगा लैपटॉप में। तो देखते हैं आज से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुझे बनाने हैं ऑलमोस्ट 9 पेपर बनाने हैं। तो आज से शुरुआत करेंगे, वैसे एग्ज़ाम अगर 18 से होंगे तो और 10 तो हो ही गई, 6-7 दिन और बचे हैं। तो आज से टाइप करना स्टार्ट कर देंगे, रोज़ अगर एक भी बनाएंगे, वैसे 2 बनाएंगे टारगेट रखेंगे तो जल्दी बन जाएंगे, 13-14 तक बन जाएंगे। बैठ जाओ, चलो ए रतन बैठो। असेंबली फाइनली ख़त्म हो चुकी है, खाना स्टार्ट हो चुका है। क्या बनाएं? काय की दाल है? अरहर की दाल। किस बात की लड़ाई हो रही? सारी 3 रोटियां हम नहीं खाएंगे, हम जा आ रही तुम लोग। कितनी 5 हैं? ये लाए अपने अपने के लिए, हमने 2 रखे खाएंगे। हमने 5 जितने, हमने कहा आ रही तुम ले लो, आज तुम ले ले। सही कह रहा है वो, डाई डाई खाओ। और जाके रिविल पता कहां गई, जा रही मेरे पास। क्या हो गया? मेरा दादी को पेन हुई हो तो कह रही तू हमारा। कौन कह रहा? अच्छा चलो कोई बात नहीं, पढ़ने बैठ जाओ, बाद फैसला कर लेना। खाना खाए सब लोग इधर? ठीक है, वर्क करो, ज्यादातर याद करने का ही होगा, याद करते रहो। याद करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि जो चीज़ याद कर लो, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन या एक चैप्टर, फिर उसको लिखो। अगर लिख लिया तुमने, समझ लो कन्फर्म हो गया, लिखना ही तो है तुम्हें उसमें एग्जाम में, और स्पेलिंग भी उससे याद हो जाएगी। क्या प्रशांत याद कर रहे हो? पढ़ रहे हो, याद हो गया पूरा? इंग्लिश में याद हो गया? पिटोगे कल क्या? हैं? नहीं पिटोगे ना, तो याद कर लो। तो मन से क्या कर रहे? सवाल लगा रहे। अच्छा, तुम्हारा तो खैर एक ही काम है, कंपटीशन वाले हो, और इधर भी कंपटीशन वाले, इधर भी कंपटीशन वाले, ये भी कंपटीशन वाला, ये भी कंपटीशन वाला, ये भी कंपटीशन। तुम्हें याद हो गया? अरे तुम्हारे में पीरियड ही नहीं हमारा, फिर भी याद करो ठीक। ये भी कंपटीशन वाला, इसके में भी मेरा पीरियड नहीं है। कोई है ऐसा कोई जिसके में हमारा पीरियड हो? याद कर रहे हो कि नहीं? छुप क्यों रहे थे? याद हो गया पूरा इंग्लिश? पिटोगे फिर क्या कल? हैं? क्या करोगे फिर कल? सुबह के टाइम। स्वामी विवेकानंद हो, पढ़ते जाओगे पेज फाड़ते जाओगे, हैं? हो जाएगा याद, अभी से याद करो, थप्पड़ बजेगा अभी तुम पे। गुप्ता जी कर रहे हो याद? अभी तुम हिंदी और घोले थे, अभी याद कर रहे हैं। याद कितना हो गया? कर नहीं रहे, कर लो। हाँ क्या कह रहे हो? कल हिंदी का टेस्ट है? हमारा वहाँ टेस्ट है इंग्लिश का, आप बताओ अब किसका करोगे? किसका करोगे? इंग्लिश। हम हॉस्टल में रह गए इसलिए इतनी मेहनत करते हैं कि हमारा ही सब्जेक्ट में पीछे रहो। इंग्लिश इंग्लिश करो, इंग्लिश इंग्लिश होने के बाद हिंदी हिंदी करो। What you expect me to do? Push you away when we're both feeling blue.